बढ़ती महंगाई को लेकर पीस पार्टी ने जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा ज्ञापन। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल अय्यूब के निर्देश पर पूरे देश में कार्यकर्ताओं के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में लगातार हो रही बेतहाशा वृद्धि सहित अन्य चीजों के दामों में भी तेजी से बढ़ रही महंगाई को लेकर मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसी क्रम में बाराबंकी में भी पीस पार्टी के पदाधिकारियों और अन्य कार्यकर्ताओं ने जिला प्रभारी शरीफुल हक उर्फ जफर अंसारी के नेतृत्व में आज जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूरे देश में पेट्रोलियम पदार्थों व खाद्य तेलों सहित अन्य सभी वस्तुओं के दामों में हो रही वृद्धि पर चिंता जताई है। प्रदेश सचिव दुष्यंत सिंह चंदेल की मौजूदगी से कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने स्थित मस्जिद पर इकट्ठे हुए कार्यकर्ताओं ने जिला प्रभारी शरीफुल हक उर्फ जफर अंसारी के नेतृत्व में योगी सरकार को चेताते व गगनभेदी नारे लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उपस्थित लोगों में सरकारों के प्रति खासा आक्रोश देखने को मिल रहा था। पीस पार्टी के प्रदेश सचिव दुष्यंत सिंह चंदेल ने आक्रोश व्यक्त करते हुए सख्त लहजे में राज्य एवं केंद्र सरकार के एक माह में महंगाई पर काबू नहीं पाए जाने पर देशव्यापी आंदोलन चलाने की चेतावनी भी दे डाली। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला प्रभारी शरीफुल हक उर्फ जफर अंसारी, प्रदेश सचिव दुष्यंत सिंह चंदेल, मोहम्मद रफीक सलमानी, कमरुद्दीन अंसारी, अब्दुल वहीद, मौलाना अखलाक महमूद सिराज सहित दर्जनों लोग शामिल रहे। जिला संवाददाता आशीष वर्मा की रिपोर्ट। कार्यालय पर एकत्रित हुए हैं प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देने के लिए। हमारे राजाष्टीय नेतृत्व का निर्देश है महंगाई के परिप्रेक्ष्य में जो डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस, खाद्य के जितने भी सामान हैं उनकी इतनी कीमत बढ़ गई है कि आम जनमानस में बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है। गरीब आदमी बिल्कुल बहुत ही दुर्गत उसकी इस समय है, इसलिए पीस पार्टी उसका बहुत सख्त विरोध करती है सरकार का, और सरकार से मांग करती है कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और खाद्य तेल के दाम को नियंत्रित किया जाए। यही हमारी मांगे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी तक पहुंचाया जाए। मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है आपके पीस पार्टी द्वारा? आज हमारा पीस पार्टी पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब के आह्वान पे और प्रदेश अध्यक्ष संजय गुर्जर के आह्वान पे हम लोगों ने पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल और भी कई चीज़ें हैं, रसोई गैस, उनको लेकर आज पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया जा रहा है हर जिला मुख्यालय पर। और जो लगातार पेट्रोल पे, डीजल पे डेली रेट बढ़ रहे हैं, इन मांगों को लेकर आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस में आए हुए हैं और राष्ट्रपति महोदय को हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं। क्या लगता है आपको, सीमा पार भी लगभग आधे वर्ष से ज़्यादा हो चुका है, सरकार ने किसी किस्म के किसानों की मांगों को नहीं माना है, तो आपके द्वारा ये इस प्रदर्शन से या ज्ञापन देने से कहाँ तक सरकार? देखिए, हम लोग किसानों के साथ शुरू से थे और पीस पार्टी ने पूरे प्रदेश में सबसे पहला ज्ञापन और सबसे पहली मांग किसानों के लिए थी, जो आपका ये बिल आया था जो किसानों के विरोध में, सबसे पहला पीस पार्टी ने ज्ञापन दिया था कि किसानों के ये बिल वापस लिए जाए। लेकिन आज 6 महीना 7 महीना हो रहा है, किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है और पूरे प्रदेश और केंद्र की भी सरकार जो है वो चुनाव की तैयारियों में लग गई है। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि पीस पार्टी इलेक्शन के ही समय सक्रिय होती है, इस बारे में आपका क्या कहना? ये बिल्कुल निराधार है और पीस पार्टी हर मुद्दे पे सामने रही है, चाहे आपका NRC का मामला हो, चाहे CA का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, या किसानों का मामला हो, नौजवानों का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, आज भी देखिए डीजल पेट्रोल का मामला है, हम लोग खड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी से ज़्यादा धरना प्रदर्शन और पीस पार्टी से ज़्यादा विरोध करने वाली कोई पार्टी नहीं है।